नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। बारा के सीसवाली में सांसद दुष्यंत सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, पीड़ितों से मिलकर मुआवजे का आश्वासन दिया। बारा के बटावदा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह खेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां पर राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। बारा के रामगढ़ क्षेत्र में बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसल खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ी, वहीं किसान फसल खराबे के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बारा के अंता पहुंची कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि कलश यात्रा का गुर्जर समाज के द्वारा श्रद्धांजलि देकर नमन किया। बारा के मांगरोल में नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, पार्षदों ने नगरपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। श्री श्री 108 कालाराम महाराज और झूमी देवी की पुण्य स्मृति में परिवार ने सार्वजनिक जल मंदिर बनाकर जनता को समर्पित किया। दयावर के आदर्श विद्या मंदिर में खेल दिवस मनाएंगे विद्यालय आचार्य वंदना अहिर ने छात्रों को बताया कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा श्री गणेश जी महाराज का वार्षिक पूजन किया जा रहा है, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर 4 दिवसीय वार्षिक पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। पन्नालाल महाराज की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में विजयनगर में सामूहिक भक्ता मर पाठ और त्याग तपस्या की गई। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला मंडल की ओर से नंदोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, महिलाएं अपने घर से लड्डू गोपाल की छवि लेकर कार्यक्रम में शरीक हुई। सरवाड़ उपखंड क्षेत्र के सूरजपुरा जनकपुरी धाम पर बाबा रामदेव जी का विशाल मेला लगा, जहां पर क्षेत्र भर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी के दर्शन किए। जोताया के विद्यालय में 29 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाले पंचायत स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। नागौर के लाडू में बीमार गौवंश की सेवा करने वाले गौ सेवा समिति की टीम का सम्मान किया गया, रामजीराम ग्रुप की महिलाओं ने मोमेंटो भेंट करके कई कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। लाडनू क्षेत्र के सुप्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर में रात भर चला भजन संध्या का दौर, पुजारी सुखदास कांवड़ ने की बाबा की जोत। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी अल्प समय के लिए डिगाना पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और भारत विकास परिषद शाखा के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। लाडनू कस्बे के बस स्टैंड पर नोब सिंह के जेब से 56,000 रुपये पार करने का मामला, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नागौर जिले के सरपंच संघ के लिखित समझौते नहीं मानने समेत 21 मांगों को लेकर आक्रोशित सरपंच संघ ने सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष महिपाल थालुड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वेतन वृद्धि समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक के पशुधन सहायकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान सुनील चतुर्वेदी महेंद्र जाजड़ा समेत पशुधन सहायक मौजूद रहे। नागौर के पर्वतसर में देर रात चोरों ने स्वर्णकार व्यवसायी की दुकान को निशाना बनाया, चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया। पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया ने नौड़ाया नैड़िया गांव के दरअसल गौशाला में लंपी बीमारी से प्रभावित गायों के उपचार के लिए दवाइयां बांटी। निमाज गांव में नाथ संप्रदाय का प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, समारोह में 251 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। गरणिया गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बना रास्ता गंदगी से सटा हुआ है, पानी की निकासी नहीं होने के चलते बारिश के समय आवागमन बंद हो जाता है। हिंडौन के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान युवक हेमेंद्र शर्मा की मौत के मामले में दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिवार के लोगों ने सांसद घनश्याम तिवारी को ज्ञापन दिया। करौली के हिंडौन सिटी में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का हिंडौन आने पर ब्राह्मण समाज और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कोडाभीम उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत शहराकर में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, लेकिन खेल मैदान की हालत खराब होने के चलते खिलाड़ी परेशान नजर आ रहे हैं। करौली के दो शिक्षकों से अलग अलग विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, घटना के बाद शिक्षक संगठनों में रोष व्याप्त। नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्थाओं लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, रैली के बाद कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर खिरनी फाटक पुलिया के नीचे पार्थिव शिव रुद्राभिषेक कार्यक्रम बाल मुकुंदाचार्य महाराज के सानिध्य में किया गया। गोविंदगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ आगाज, जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सांदरसर स्थित राजकीय विद्यालय में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। राजावास में चोरों ने 5 जगह चोरी का प्रयास किया, जहां 3 जगह चोर चोरी करने में सफल हुए, मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हरमाड़ा में बंद की ढाणी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित हो रही है।
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आगाज राजसमंद जिले के भाड़ा ग्राम के स्कूल में हुआ। बाबा रामदेव जी की राम रेवाड़ी राजसमंद के कांकरोली स्थित बागोरा भवन पहुंचे, जहां पर बागोरा परिवार के सदस्य और स्थानीय निवासियों द्वारा पूजा अर्चना करके भव्य स्वागत किया। राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने एक आदेश जारी करके चारभुजा तहसील में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए। राजसमंद के भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने भीम देवगढ़ क्षेत्र के में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया। राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के तत्वाधान में आज स्काउट गाइड ने स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर सांगानेरी गेट प्रशिक्षण केंद्र परिसर की साफ सफाई की। ग्रामीण ओलंपिक खेल के कोच शिक्षक ने छात्रा को अपने घर खेल किट लेने बुलाकर किया दुष्कर्म, रायपुर पुलिस ने किया मामला दर्ज। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में डोडा चूरा का अवैध दोहन कर ले रहे एक पिकअप को पुलिस ने जब्त किया, 66 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में दो टीम के खिलाड़ी आपस में भिड़े, आसीन क्षेत्र के कर्जा लिया विद्यालय में हो रहा है आयोजन। रायला थाना अंतर्गत अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 रायसिंहपुरा के पास भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत। डूंगरपुर के नेहरू युवा केंद्र की ओर से मालगांव में दौड़ और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। डूंगरपुर में श्री राम सेवा समिति की ओर से सनातन धर्म के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हनुमान चालीसा का पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के जलाना स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, इस दौरान विद्यार्थी और ग्रामीणों ने पदों को भरने की मांग की। डूंगरपुर के सावला थाना पुलिस ने सालों से फरार चल रहे दो स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर लेहड़ा खाटी में अज्ञात वाहन ने पैंथर को टक्कर मारी, इधर हादसे में पैंथर की मौत। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के सिंगोदडा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ मंत्री शकुंतला रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह रोटासरा ने किया। सीकर के नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत आगवाड़ी में राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का फीता काटकर उद्घाटन किया। फतेहपुर के धनुका आदर्श विद्या मंदिर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया गया। पाली के देसूरी कस्बे में सिरवी समाज की भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। देसूरी कस्बे के राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में सुबह राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड निवासियों ने ट्रक यूनियन के सामने प्रदर्शन करके ट्रक यूनियन को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ टाउन स्वर्णकार सभा और मराठा मंडल द्वारा आयोजित 31वें गणेश महोत्सव पर भूमि पूजन किया गया, पुरोहित द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन करके ध्वजारोहण किया। महाकालेश्वर मंदिर पर लगने वाले मेले का भले ही उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन उद्घाटन से पूर्व ही मेले में लगने वाले झूले चालू हुए हैं। सरमथुरा उपखंड में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत, जिसका शुभारंभ सरमथुरा SDM मनीष कुमार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंगई में फीता काटकर किया। दाऊ महाराज मंदिर में लगने वाले मेले में दूर दराज से लोगों ने पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना कर मनौती मांगी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के महतपुरा गांव में एक मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया, ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के बागकापुरा गांव के बाहर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप, मृतक युवक, दरअसल आपको बता दें यहां पर युवक मजदूरी का काम करता था। कृषक बहुल्य क्षेत्र बेगू में इन दिनों मवेशियों में तेजी से फैल रहे लंपी प्रकोप को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने उपखंड प्रशासन और चिकित्सा विभाग को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के बेंगू खंड क्षेत्र के 31 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। खेल की पारसोली में सरपंच निर्मला सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू खंड क्षेत्र में बीती रात को चोरों ने विज्ञान नगर कॉलोनी में शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया। चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने क्षेत्र के ठुकराए गांव में पहुंचकर ग्रामीण द्वारा आयोजित बाबा रामदेव जयंती महोत्सव में भाग लिया। बेगूनगर समेत क्षेत्र भर में बाबा रामदेव जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मेघवाल समाज और रायगढ़ समाज द्वारा अलग अलग शोभा यात्रा निकाले। चित्तौड़गढ़ वॉरियर्स मार्शल आर्ट और एंड फिटनेस अकेडमी के छात्रों ने पास की कलर बेल्ट परीक्षा। मंगलवार में आज मेघवाल समाज द्वारा बीज के दिन रुणीजा बाबा रामदेव पीर के जन्म उत्सव पर जुलूस यात्रा शांतिपूर्व निकाली गई। बाबा रामदेव जी के मंदिर पर निशान भी मेघवाल समाज द्वारा चढ़ाया गया।
लोग देवता बाबा रामदेव जी महाराज के देवीमान का मोहिकला और बपावट समेत क्षेत्र के गांवों में जुलूस निकालकर महाप्रसादी का वितरण किया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि कलश विसर्जन यात्रा का मोहिकला और बपावर में गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने पुष्पांजलि दी। खैरथल कस्बे के मेन मार्केट में एक कार ने लापरवाही से कई बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दी। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र में 3 दिनों से बिजली कटौती का दौर जारी रहने से ग्रामीणों में रोष दिखा। रामगढ़ के ललावंडी गांव में शराब की अवैध ब्रांच के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। 49 अवैध दारू के पवे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के बानासुर क्षेत्र में पशु चिकित्सक और पशुधन सहायकों ने 11 सूत्र मांगों को लेकर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को ज्ञापन दिया। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव से सैदमपुर विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। नारायणपुर कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौसमी बीमारी की भरमार होने से ओपीडी करीब 500 पहुंचे। अलवर के कांकर गांव में बाबा जिंदा पीर के मेले में उमड़ा जनसैलाब, जहां खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निमराना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक आदतन बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बानसूरों में बाबा रामदेव की पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन, जिसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अलवर के कटूमर मुख्यालय पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के दौरान अनुसूचित वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने ग्रामीणों से खेल में सहभागिता निभाने की अपील की। अलवर के थानागाजी में ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के तहत थानागाजी के सभी ग्राम पंचायतों पर खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। बाड़मेर के लूणी नदी के तट पर स्थित विश्व विख्यात तिलवाड़ा पशु मेला परिसर स्थित रावल मल्लीनाथ जी और रानी रूपादे के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन। बाड़मेर के शिव उपखंड क्षेत्र के रामदेरिया काश्मीर में बाबा रामदेव जन्मस्थली थाटी खेजड़ी रामदेव जी मेले के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने दौरा किया। बांसवाड़ा के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के रेंगनिया गांव में ट्रक ने महिला को चपेट में ले लिया। हादसे में महिला की मौके पर मौत। बांसवाड़ा के उपला घटाला गांव में एक 17 साल के छात्र ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बांसवाड़ा के कुपड़ा कस्बे में जुलूस के दौरान बिजली के तार से टच हुआ झंडे का पाइप, एक युवक की मौत। बांसवाड़ा के नरवाले गांव में खेत में काम करते समय महिला को सांप ने डस लिया। सांप के डसने से महिला की मौत। बांसवाड़ा के लोधा गांव में स्थित खेल छात्रावास में ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ, कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नगरू के संझारिया राजकीय विद्यालय में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मुख्य आतिथ्य और विधायक गंगा देवी की अध्यक्षता में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन समारोह आयोजित। दूदू में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ दूदू विधायक ने किया। रेनवाल तहसील क्षेत्र में हर पंचायत में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर और झंडारोहण करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बगरू के तेजाजी मंदिर में श्री वीर तेजा युवा मंडल के तत्वाधान में तेजाजी महाराज की भव्य बिंदौरे निकाले गए। झोटवाड़ा के वार्ड नंबर 48 में पार्षद कुमकुम शक्तावत और बीजेपी नेता शक्ति सिंह शक्तावत ने माता रानी भटियाणी सा मुरलीपुरा धाम जा रहे सैकड़ों पदयात्रियों का स्वागत सत्कार किया। झालावाड़ के ग्राम पंचायत उन्हेल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। झालावाड़ के पड़ावा क्षेत्र के दुबलिया गांव में बाबा रामदेव जी की जयंती पर बाबा रामदेव जी की पालकी निकाली गई। झालावाड़ के हिम्मतगढ़ में अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन की फसल पर पीलिया रोग लग चुका है, जिसके चलते किसानों की फसलें खराब हो रही है। झालावाड़ के गेलाना गांव में बाबा रामदेव जी की भव्य शोभा यात्रा निकाले गए। झालावाड़ की पिड़ावा पंचायत समिति के सुवास में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। सिरोही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। सिरोही के आबू रोड में अज्ञात बदमाश द्वारा गाड़ी पर पथराव करके शीशे तोड़े गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। सिरोही के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। जैसलमेर में पोखरण क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय में उपाध्यक्ष पद पर विजय रहे गिरिराज हरकुट का स्थानीय माहेश्वरी समाज ने स्वागत करके बधाई दी।
जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र में बाबा रामदेव जी का 638वां भादवा मेला जोर शोर से चल रहा है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जी राजस्थान। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। लाठी क्षेत्र के डेलासर गांव के पास स्थित मेराजी साध मंदिर परिसर में रात्रि जागरण और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। पड़ियाड़ा के झाबरा गांव में राजकीय विद्यालय में लगातार दूसरे दिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जारी है। स्वामी जी की ढाणी ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय के मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। लाठी कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच महेंद्र चावला के मुख्य आतिथ्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे स्थित काया कुंडाल के समीप ट्रेलर में अचानक आग लग गई। उदयपुर के मांडवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार में अवैध रूप से परिवहन कर ले जा रहे शराब को जब्त किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में पेड़ गिरने से घायल हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर का 3 दिन बाद राजा वासक मित्र मंडल ने रेस्क्यू किया। उदयपुर के धावड़ी गांव में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक गोकुल शर्मा श्रवण सेदरी की प्रस्तुतियों पर ग्रामीण जमकर थिरके। उदयपुर जिले के गोगुंदा बस स्टैंड पर चल रहे राम रसोड़े का समापन हुआ। मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बिलाड़ा कस्बे में होटल में घुसकर होटल कर्मचारी से शराब के पैसे नहीं देने पर मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के तिवरी क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया। बिलाड़ा पुलिस ने नकबजनी के मामले में 3 आरोपियों को चामड़ियावास सोजत से गिरफ्तार किया। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में आई माता जी के बैल की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। प्रजापा समाज बिलाड़ा पट्टी 16 खेड़ा के तत्वाधान में
श्री आदि माता की शोभा यात्रा निकाली गई। जोधपुर के तिवरी क्षेत्र में राजपूत समाज की ओर से पिछले एक महीने से संचालित राम रसोड़े का समापन हो गया। बिलाड़ा के रावर गांव के नदी के पास शिकारियों ने हिरण का शिकार किया, ग्रामीणों को देखकर शिकारी मौके से भागे। बिलाड़ा के खारिया मीठापुर गांव में गुर्जर समाज का पैदल जत्था गाजे बाजे के साथ देवमाली के लिए रवाना हुआ। बावड़ी के दहीजर गांव में चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में जगह जगह बाबा रामदेव जी के बीज पर महिलाओं ने भजन कीर्तन कर गायों में फैल रही लंपे बीमारी से निजात पाने के लिए मंगल कामना की। बावड़ी के माड़कलाव गांव में रास्ता रोककर मारपीट करने का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज। बावड़ी के नांदिया कला गांव में अज्ञात महिला ने दो अलग अलग महिलाओं की कंठी तोड़कर फरार हो गए। लाल शाह पीर बाबा के उर्स मेले के तहत गोपालगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित दरगाह परिसर के बाहर खरीदारी के लिए दुकानें लगी। जोधपुर के बावड़ी कस्बे में मारपीट कर घर के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़ने का मुकदमा दर्ज। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ राजकीय विद्यालय भियासर में मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य पुष्पा पूनिया की उपस्थिति में किया गया। बाप प्रखंड की कृपा में प्रखंड प्रमुख हीरा लाल पालेवाल के नेतृत्व में दुर्गा मंदिर में शिखर ध्वज गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का बाप मुख्यालय पर बाप सरपंच लीला देवी जगदीश पालीवाल की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। खाबड़ा कला गांव में मानसिक रूप से बीमार महिला घर से बिना बताए निकल गई। परिजनों ने आसपास खोज की लेकिन महिला का सुराग नहीं लगा। झुंझुनू के किसान कॉलोनी टोडी में सैनिक कल्याण मंत्री राजन सिंह गुड़ा ने इंटरलॉक सड़क का लोकार्पण किया। गुर्जर समाज का सबसे अग्रणी देवसेना संगठन टीम का विस्तार, देवसेना जिला अध्यक्ष ने सरपंच शंकरलाल गुर्जर को जिला सचिव की जिम्मेदारी। झुंझुनू के भगेरा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत, सरपंच पति और समाज सेवी श्रवण निभाए रहे मुख्य अतिथि। झुंझुनू के डूंडलोद के माजी साहब की कोठी स्थित बोलता बालाजी मंदिर में रामेश्वर दास महाराज की 31 अगस्त को 20वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। झुंझुनू के धमोरा गांव निवासी दुष्यंत जाखड़ के नेतृत्व में भारतीय वॉलीबॉल टीम ने इतिहास रचते हुए एवीसी कप के फाइनल में जगह बनाई। झुंझुनू के डूंडलोद स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गोयंका स्कूल पूर्व सहपाठी समूह द्वारा विद्यालय को इन्वर्टर और बैटरी भेंट की गई। राजस्थान स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झुंझुनू के बलौदा के धर्मवीर प्रजापत ने स्वर्ण जीतकर गांव का नाम रोशन किया। झुंझुनू के बलौदा के वार्ड नंबर 9 में पानी की किल्लत को लेकर वार्ड वासियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी की पंचायत और वार्ड संपर्क अभियान के तहत झुंझुनू के डूंडलोद में मीटिंग का आयोजन किया गया। झुंझुनू के चंद्रपुरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढोकिया के नेतृत्व में पन्ना प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई। झुंझुनू के खिरोड़ गांव की बहू और पीआरएम वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की उपाध्यक्ष डॉक्टर सरिता रोटासरा को शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सरोकार निभाने पर अमेरिका की थियोफेनी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा। झुंझुनू के श्री श्याम आशीर्वाद सेवा संस्था की ओर से ट्रस्टी डॉक्टर डीएन तुलसियान संतोष भगेरिया और रोहिताश बंसल ने सीकर में संतों और विशिष्ट जनों का सम्मान किया। झुंझुनू के पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया का डुलानिया में पिलानी और पास पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। झुंझुनू के किशोरपुरा में भैरवजी महाराज के मंदिर पर नवनियुक्त छात्र संघ अध्यक्ष विकास गुर्जर ने अपने साथियों के साथ भैरवजी महाराज को धूप लगाई। झुंझुनू के बाबा हाडेश्वर महाराज की तपोस्थली दुधवा में बाबा का विशाल मेला लगा। झुंझुनू के चुड़ावा में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल लांबा ने चुड़ावा बीसीएमओ का पदभार संभाला। झुंझुनू के चुड़ावा नगर पालिका में विधि सलाहकार के पद पर स्वायत्त शासन विभाग जयपुर द्वारा एडवोकेट भीम सिंह सैनी को नियुक्त किया गया। झुंझुनू के मंडरेला में श्री श्याम सदन में 7 दिवसीय दुर्लभ सत्संग और ज्ञान यज्ञ भागवत के दूसरे दिन कथावाचक आनंद महाराज ऋषिकेश ने कहा कि भागवत कथा सुनने से मानव जीवन के मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। झुंझुनू के भोजनगर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव शिवनगर के हीरामल मंदिर परिसर में समाज सेवी विक्रम सिंह जाखल का नागरिक अभिनंदन किया गया। झुंझुनू के खिरोड़ के कुमावत मोहल्ले में स्थित गोगा मेड़ी पर जागरण हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ किया गया। झुंझुनू के खिरोड़ की तुरकानी जोड़ी में स्थित शिव मंदिर में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। झुंझुनू में संस्कार भारती झुंझुनू के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में राजस्थान गौरव से सम्मानित
टीकेएन फायर सेफ्टी संस्थान के निदेशक और भारतीय मानवाधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सिंह का अभिनंदन किया गया। झुंझुनू के भोड़की गांव में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभारंभ पर छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कबड्डी का मैच खेला। साथ ही छात्रों में खेलों के प्रति उत्साह देखने को मिला।